यह स्पीच खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पहले कभी पबजी खेलते थे, खेल रहे हैं या फिर खेलने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पबजी खेलने की आदत लग चुकी है और लोग इसे बुरा भी मानते हैं, लेकिन आज हम उसी पबजी गेम से ज़िंदगी के कुछ ऐसे सीख सीखेंगे जो आपको पता होना चाहिए। जो लोग पबजी खेलते हैं उन्हें तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, और जो लोग पबजी नहीं खेलते वो भी इस स्पीच को ज़रूर देखें, क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे हर एक चीज़ से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकते हैं। पहली, हमेशा प्लानिंग बनाकर खेलें। पबजी गेम से पहले आपने सीखने को मिलता है कि जीवन में हमेशा प्लानिंग बनाकर काम करें, और जब भी आप प्लेन से ज़मीन पर उतरते हैं तो उसके बाद एक सर्कल बनता है, वो सर्कल धीरे धीरे छोटा होता जाता है और आपको उस सर्कल के अंदर रहकर खेलना होता है। लेकिन कई लोग बिना प्लानिंग करके सर्कल से बहुत दूर उतर आ जाते हैं और उसके बाद वहीं पर एक दूसरे को मारते रहते हैं, और उसके बाद वो ब्लू जोन में आकर खुद ही मर जाते हैं और गेम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। हमारी ज़िंदगी में भी यही होता है, हम लक्ष्य कुछ और बनाते हैं और किसी और चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, अपनी सर्कल की ओर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। नंबर दो, भेड़ चाल ना चले। दूसरी चीज़ हमें सीखनी चाहिए कि भेड़ चाल ना चले। जब भी हम प्लेन से उतरते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसी जगह पर उतरते हैं जहाँ पर पहले से बहुत सारे लोग उतर रहे हैं। इसका मतलब हम भेड़ चाल चलते हैं और भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और फिर ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाते। हमारी असल ज़िंदगी में भी यही होता है, हम सफल लोगों को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और उन्हीं के जैसा बनने की पूरी कोशिश करते हैं और अपनी पसंद और नापसंद को कभी ध्यान में नहीं रखते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, भेड़ चाल का हिस्सा ना बने, नहीं तो आप ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तीसरा, अपने साथ ज़रूरी सामान ही रखो। अगली सीख जो हमें पबजी से सीखने को मिलती है, जीवन में हमेशा ज़रूरी सामान को ही साथ में रखें और फालतू के कचरे को इकट्ठा ना करें। जब भी प्लेन से उतरते हैं, कई लोगों को आपने देखा होगा कि सिर्फ वो सामान इकट्ठा करने में लग जाते हैं। जो भी चीज़ उन्हें सामने दिखाई देती है वो उसे फटाफट उठाने लगते हैं। वो ये भी नहीं देखते हैं कौन सी चीज़ ज़रूरी है और कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है। कभी कभी तो लोग ऐसा भी करते हैं कि बंदूक कोई और उठा ली और गोली कोई और ही उठा ली जो उसमें लगने ही वाली नहीं है। अब इसी बात को अपनी ज़िंदगी से कनेक्ट कीजिए। दिन भर में आप बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं जो आपके लक्ष्य से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन दिन भर आप उन सब चीज़ों को अपने दिमाग में घुसाते जाते हैं। तो यहाँ हमें सीख मिलती है कि फालतू का कचरा इकट्ठा करने से अच्छा है कि जो चीज़ हमारे लक्ष्य के काम आए सिर्फ उसी चीज़ को हम अपने पास रखें। चौथा, हमेशा टीम वर्क करें। अगली चीज़ जो हमें पबजी से सीखने को मिलती है कि हमेशा टीम वर्क करें। जब भी हम पबजी खेलते हैं तो या तो अकेले खेलते हैं या फिर अपनी टीम के साथ खेलते हैं। जब भी टीम के साथ खेलते हैं तो हेम ऐसी गालियां सुनने को मिलती हैं जो हमने पहले कभी नहीं सुनी है। अब इसमें कुछ लोग तो टीम का साथ देते हैं लेकिन कुछ लोग टीम से दूर भागते रहते हैं। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो अपने टीम के बंदों को दूर से बैठकर मरता हुआ देखते हैं और उसे रिवाइव भी नहीं देते। ऐसी टीम ज़्यादा देर नहीं टिक सकती जो यूनिटी के साथ नहीं खेलती है। जैसे पबजी में यूनिटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हमारे जीवन में भी टीम वर्क यूनिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कौन व्यक्ति आपको कब आके मार जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। नंबर पाँच, कमजोर व्यक्ति को साथ लेकर चलें। अगली चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि हमेशा कमज़ोर साथी को साथ लेकर चलें। जब भी हम पबजी खेलते हैं तो हमारे साथ कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर जुड़ जाता है जो नया होता है या जिसे खेलना नहीं आता है, लेकिन हम उसका मजाक उड़ाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि यदि आप तीन लोग खेल रहे हैं और दो व्यक्ति वाली कोई कार मिली तो दो व्यक्ति बैठकर उस पर निकल लेते हैं और एक व्यक्ति को पीछे छोड़ देते हैं। ना तो आपको पबजी गेम में ऐसा करना चाहिए और ना ही अपने जीवन में ऐसा करना चाहिए। जो भी लोग कमज़ोर हैं उन्हें हमेशा अपने साथ लेकर बढ़ना चाहिए। आपके पास जो है उसमें बेहतर परफॉर्म करें। जी हाँ, अगली सीख जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा साधन जुटाने की अपेक्षा जो साधन आपके पास है उसमें बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। पबजी खेलते समय आपने एक बात बहुत नोटिस की होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सामान ढूंढते रहते हैं, उनका गेम पर ध्यान बिल्कुल नहीं होता है। वो जहाँ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सामान ढूंढते रहते हैं। खेलने के लिए उनके पास बंदूक होती है लेकिन वो पूरे टाइम 6x या 8x स्प्रे ढूंढते रहते हैं। उनके पास स्कारल गन होती है लेकिन वो पूरे टाइम M416 गन ढूंढते रहते हैं। और जब वो बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेता है तो सामने से एक ऐसा व्यक्ति आता है जो उसे छोटी सी गन से मार देता है।
और उसका बहुत सारा इकट्ठा किया हुआ सामान लूट कर ले जाता है। इसलिए इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, जो आपको खेल में भी काम आएगा और आपके जीवन में भी काम आएगा, कि ज़्यादा साधन जुटाने की अपेक्षा जो आपके पास है उसमें बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। सातवां, हमेशा अपने पास आपको रिचार्ज करते रहो। दोस्तों, अगली सीख जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कि हमेशा अपने आप को रिचार्ज करते रहें और हमेशा एनर्जेटिक बने रहें। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि पबजी गेम में हेल्थ और ड्रिंक्स का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। समय समय पर यदि आप अपने आपको ड्रिंक नहीं पिलाएंगे, बैंडेज नहीं लाएंगे, तो आप बहुत ही जल्दी मर जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी यही होता है, हमें सिर्फ काम ही नहीं करते रहना चाहिए, समय समय पर अपने आप को रिचार्ज भी करते रहना चाहिए। आठवां, शत्रु को कमज़ोर ना समझें। दोस्तों, अगली बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है कि शत्रु को कभी भी कमज़ोर ना समझें। जीवन में कभी भी आपको पता नहीं होता है कि सामने वाला शत्रु कौन है, उसके पास कितने साधन हैं, और ऐसा ही हमारे पास पबजी में भी होता है कि उसके पास कौन साधन है, उसके साथ कितने लोग हैं, उसके पास कितना हेल्थ है, यह आपको कभी भी पता नहीं होता है। इसलिए आप दबंग बन के उनके सामने छाती चौड़ी करके खड़े मत हो जाइए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि एक नया खिलाड़ी भी एक प्रो खिलाड़ी को भी मार कर चला जाता है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हम अपने कंपटीटर को अपने से कमज़ोर मान लेते हैं, जो कि हमारे हार का बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए आप कभी भी शत्रु को कमज़ोर ना समझें। नौवां है, सही मौके का इंतज़ार करें। अगली सीख हमें मिलती है, सही मौके का इंतज़ार करें। आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना होगा कि मौके पर चौका लगाना, इसका मतलब होता है कि आप सभी को सही मौके का इंतज़ार करना है। कई लोग को आपने पबजी गेम में देखा होगा कि वो खुलेआम घूमते रहते हैं और धड़ाधड़ गोलियां चलाते रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति दूर पर स्नाइपर के लिए बैठा रहता है और एक ही शॉट में उस व्यक्ति को मार गिराता है। कई बार आपको लोग कहते होंगे, छुप कर क्यों बैठा है, सामने आकर खेल, लेकिन कई बार छुप कर बैठना ही सही मौके का इंतज़ार करना होता है। इसलिए आप हमेशा जीवन में सही मौक़ों का इंतज़ार करें और उसी के बाद एक्शन लें। दसवां, जीवन का आनंद लो। और अंत में सबसे बड़ी सीख है, जो जीवन का सत्य भी है, कि आप मरेंगे तो आपके अपने लोग ही आपके सामान को लूट कर ले जाएंगे। इसलिए जीते जी अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। जो भी साधन आपके पास उपलब्ध है उसका पूरा उपयोग कीजिए, क्योंकि मरने के बाद लुटेरे ही बैठे हैं। तो दोस्तों, ये कुछ सीख थी जो हर इंसान को पबजी गेम से ज़रूर सीखनी चाहिए। पहली, हमेशा प्लानिंग बनाकर खेले। दूसरी, भेड़ चाल ना चले। तीसरी, अपने साथ जरूरी सामान को ही रखें। चौथी, हमेशा टीम वर्क करें। पांचवी, कमज़ोर व्यक्ति को अपने साथ लेकर चलें। छठी, आपके पास जो है उसमें बेहतर परफॉर्म करें। सातवीं, हमेशा अपने आप को रिचार्ज करते रहें। आठवीं, अपने शत्रु को कमज़ोर ना समझें। नौवीं, सही मौके का इंतज़ार करें। दसवीं, जीवन का आनंद लें। दोस्तों, इस स्पीच को पबजी खेलने वाले तो ज़रूर तक पहुँचा दीजिए, ताकि वो भी पबजी गेम से बहुत कुछ सीख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।